आज है मास्टर टूर्नामेंट का फाइनल मैच। इस टूर्नामेंट में काफ़ी सारे ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया है, लेकिन इनमें से सिर्फ दो ही इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं आज। तो जो भी ये बैटल जीतेगा वो बनेगा वर्ल्ड चैम्पियन। तो आखिरकार वो दिन आ ही चुका था जिस दिन का ऐश को हमेशा से इंतजार था। आज है पोकेमोन मास्टर टूर्नामेंट का फाइनल। ये मैच हो रहा था गैलर के शूट स्टेडियम में, और इस मैच में ऐश के सारे फ्रेंड स्टेडियम में आए थे उसको सपोर्ट करने के लिए। और प्रोफेसर ओक और ऐश की मॉम और हमारा हीरो ऐश कचम ड्रेसिंग रूम में अपने पोकेमोन का हौसला बढ़ा रहा था, तभी ऐश बोलता है, आज हमारी आखिरी बैटल है और तुम सबको आज अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी जिससे हम लियोन को डिफीट कर पाए और हम बन जाए वर्ल्ड चैंपियन। ऐश अपने पोकेमोन से बात कर ही रहा था तभी एकदम से कोई डोर नॉक करता है। फिर ऐश बोलता है, आ जाओ अंदर, कौन है? और ये कोई और नहीं, ये होती है मिस्टर और सरीना एक साथ। इन दोनों को देख के ऐश बोलता है, अरे तुम दोनों एक साथ यहाँ पे, क्या बात है? तभी मिस्टी बोलती है, ऐश तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा, अपने सपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मेरे लिए, जाओ और लियोन को दिखा। फिर सरीना बोलती है, तो वो दिन आ चुका है जिस दिन का इंतजार तुम हमेशा से करते थे ऐश। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम लियोन को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बनोगे। फिर ऐश बोलता है, तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों यहाँ पर मेरा हौसला बढ़ाने आए हो। इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर ऐश थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब देखना, अब ये मैच मैं ही जीतूंगा। फिर हम देखते हैं बैटल हो चुका था स्टार्ट। स्टेडियम के एक साइड से था लियोन और दूसरी साइड से आता है हमारा हीरो ऐश कचम। दोनों ही ग्राउंड में आ चुके थे, तभी रेफरी बोलता है, आज मास्टर टूर्नामेंट का फाइनल बैटल। यहाँ पर हमारे सामने दो फाइनलिस्ट, पहले वो जो कि गलार में पैदा हुए, गलार में पढ़े बड़े, ये जाने जाते हैं पहली कोशिश में गलार चैंपियनशिप के विनर। इन्होंने आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा, चाहे इनके सामने कोई ट्रेनर आ जाए ये उनको हरा के बन जाते वर्ल्ड मोनार्क। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लियोन के बारे में। और दूसरी तरफ है, जब से इन्होंने मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया ये सारे ट्रेनर्स को हरा के यहाँ तक पहुँचे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंटो से ऐश कचम की। और ये बैटल होने वाले की, इस बैटल में कोई एक फिनोमेनन यूज कर सकते हैं। जब लास्ट में किसी ट्रेनर का कोई पकवान लड़ने के काबिल नहीं रहेगा वो ट्रेनर हार जाएगा। तो दोनों ट्रेनर अपनी पोजीशन ले लो, अपने पकवान बाहर लाओ। 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले ऐश का जमना ड्रेकोविस को भेजता है और लियोन भेजता है अपने रिलाबूम को। लेकिन एकदम से लियोन बोलता है, ऐश आज तुम मुझे दिखाओ कि तुम में कितना दम है, और हाँ ट्राई करना कि तुम मेरे रिलाबूम को हरा पाओ। ये सुनकर ऐश थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर ऐश बोलता है, लियोन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं आपके पोकेमोन को ज्यादा नहीं मारूंगा। ये सुनकर लियोन बोलता है, ऐश ये तो देखा जाएगा। तभी लियोन अपने रिलाबूम को ड्रम अटैक करने के लिए बोलता है। इधर ऐश भी अपने ड्रेकोविस को बोलता है, ड्रेकोविस हाइड्रो बम का इस्तेमाल करो। ये दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ये दोनों अटैक आपस में अगर टकरा जा जाए जिससे कि थोड़ा धमाका होता है। तभी लियोन बोलता है, रिलाबूम स्लैम अटैक का यूज करो। ये स्लैम अटैक जाके ड्रेकोविस को लग जाता है जिससे कि ड्रेकोविस थोड़ा डैमेज हो जाता है। फिर ऐश बोलते हैं, ड्रेकोविस उठो और ड्रैगन रस्ट का इस्तेमाल करो। लेकिन एकदम से लियोन बोलता है, रिलाबूम बचो इससे, और रिलाबूम इस अटैक से बच भी जाता है। तभी लियोन बोलता है, ऐश तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, रिलाबूम ड्रम अटैक से खत्म करो। ये सुनकर ऐश थोड़ा गुस्सा आता है। फिर ऐश बोलता है, ड्रेकोविस लास्ट अटैक करो, ड्रैगन रस्ट का इस्तेमाल करो। दोनों ही अटैक एक दूसरे को बढ़ रहे थे, लेकिन ये जैसे ही पास आते हैं एकदम से टकरा जाते हैं जिससे कि पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं फैल जाता है। और जैसे धुआं फटता है हम देखते हैं कि लियोन का रिलाबूम जीत चुका होता है और ऐश का ड्रेकोविस हार चुका होता है। तभी रेफरी बोलता है, ड्रेकोविस लड़ नहीं सकता, तो इस राउंड का विनर है रिलाबॉम। ये देख के ऐश थोड़ा शौक था कि लियोन ने उसके ड्रेकोविस को कितनी आसानी से हरा दिया। तभी ऐश ड्रेकोविस को वापस बुलाता है, बोलता है, ड्रेकोविस तुमने अपनी पूरी कोशिश की, तुम्हारा शुक्रिया, अब थोड़ा आराम कर लो। तभी एकदम से लियोन बोलता है, ऐश मैं ये मैच काफी ज्यादा मजेदार बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम तीन फिनोमेना का यूज करो इस बैटल में, और मैं दो फिनोमेना का यूज करूंगा, बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? ये सुन के ऐश थोड़ा शौक होता है। फिर ऐश बोलता है, लियोन तो ठीक है, जैसा आपने कहा ये मैच अब से वैसा ही होगा, लेकिन हाँ याद रखना ये मैच तो मैं जीतूंगा। तभी रेफरी बोलता है, अब ये मैच हमारी कल्पना से ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो सब लोग तैयार हो जाओ एक घमासान बैटल देखने के लिए। फिर ऐश अपने दूसरे पोकेमोन को निकालता है जो होता है ऐश का गेंगार। ऐश अपने गेंगार को शैडो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है, और ये शैडो बॉल जाकर रिलाबूम को अलग भी जाता है जिससे कि रिलाबूम थोड़ा डैमेज हो जाता है। लियोन वे खड़े खड़े देख रहा था, बहुत ही खतरनाक स्माइल करता है। फिर एकदम से लियोन बोलता है, ऐश चलो इस राउंड को जल्दी खत्म करते, क्या कहते हो? ये सुन के ऐश बोलता है, हाँ लियोन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो चलो ठीक है। तभी हम देखते हैं लियोन अपने रिलाबूम को पोकेबॉल के अंदर बुलाता है और बोलता है, रिलाबूम वक्त है जाइगेंटामैक्स का। लियोन अपने रिलाबूम को जाइगेंटामैक्स कर लेता है। तभी ऐश भी अपने गेंगार को पोकेबॉल में बुलाता है, बोलता है, गेंगार चलो इस मैच को खत्म करते हैं, गेंगार जाइगेंटामैक्स। फिर हम देखते हैं दोनों ही पोकेमोन जाइगेंटामैक्स हो चुके थे, यानी कि ये बैटल होने वाला था जाइगेंटामैक्स वर्सेस जाइगेंटामैक्स की। तभी लियोन बोलता है, रिलाबूम जी मैक्स सोलो ड्रम का इस्तेमाल करो। तभी एकदम से ऐश भी बोलता है, गेंगार मैक्स स्टार फॉल का इस्तेमाल करो।
दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ये अटैक आपस में एक दूसरे को लग जाते हैं जिससे कि ये दोनों थोड़े डैमेज हो जाते हैं। तभी लियोन बोलता है एस चलो इस राउंड को खत्म करते हैं, रिलाबूम जी मैक्स सोलर ड्रम का इस्तेमाल करो आखिरी बार। फिर एस भी बोलता है गेंगर लास्ट अटैक करो जी मैक्स मैक्स स्टारफॉल। ये अटैक जो होते हैं पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये अटैक फिर से दोनों को लग जाते हैं जिससे कि पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है, और जैसे ही धुआं साफ होता है हम देखते हैं कि दोनों ट्रेनर के दोनों पोकेमोन नहीं लड़ सकते। तभी रेफरी बोलता है दोनों की पोकेमोन लड़ने के काबिल नहीं रहे, तो ये राउंड टाई हो गया है। फिर हम देखते हैं लियोन में दूसरा पोकेमोन भेजता है जो कि होता है ड्रैगन पल्टर। एस भी अपना तीसरा पोकेमोन भेजता है जो कि होता है ड्रैगन नाइट। ड्रैगन नाइट को देख के लियोन बोलता है एश मुझे पता है कि तुम्हारा ड्रैगनाइट बहुत कमजोर है, मैंने इसके बैटल देखे हैं, इसलिए मुझे पता है ये राउंड तो मैं ही जीतने वाला हूँ। ड्रैगापल्ट ड्रैगन डार्ट्स का इस्तेमाल करो। ये सुन के एस थोड़ा गुस्सा आता है, बोलता है लियोन ये तो आप कुछ राउंड के बाद पता चल जाएगा कि मेरा ड्रैगन नाइट कितना कमजोर है। ड्रैगन नाइट ड्रैगन रस का इस्तेमाल करो। ये दोनों ही पोकेमोन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये अटैक फिर से आपस में टकरा जाते हैं जिससे कि दोनों ही पोकेमोन काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ही पोकेमोन ड्रैगन टाइप है इसलिए ये अटैक इन पर सुपर इफेक्टेड है। फिर लियोन बोलता है ड्रैगापल्ट ड्रैगन डार्ट्स का इस्तेमाल करो, और एस भी अपने ड्रैगन नेट को ड्रैगन क्लॉक का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं जिससे कि ये पोकेमोन और भी ज्यादा घायल हो चुके थे। तभी एकदम से लियोन बोलता है ड्रैगापुल डबल एच का इस्तेमाल करो। डबल एच अटैक जाकर ड्रैगन नेट को लग जाता है जिससे कि ड्रैगन नेट काफी ज्यादा घायल हो चुका था। ये देख के लियोन फिर से बोलता है एस देखा तुमने, मैंने बोला था ना कि तुम्हारा ड्रैगन नाइट किसी काम का नहीं। ये सुन के एस काफी ज्यादा गुस्से में आया था। फिर एस बोलता है ड्रैगन नाइट उठो अभी ड्रैगन रस का इस्तेमाल करो। ये सुन के ड्रैगन नाइट उठता है ड्रैगन रस का इस्तेमाल करता है। फिर एस बोलता है लियोन अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ड्रैगन नाइट कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी लियोन बोलता है अच्छा एस चलो देखते हैं, ड्रैगापुल्ट तुम भी ड्रैगन रस का इस्तेमाल करो। दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिससे कि ये दोनों अटैक आकर आपस में टकरा जाते हैं जिससे कि पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है, और जैसे स्टेडियम साफ होता है हम देखते कि एस का ड्रैगन नाइट खड़ा था और लियोन का ड्रैगापुल्ट हार चुका था। ये देख के लियोन थोड़ा शॉक होता है। फिर लियोन बोलता है बढ़िया एस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हारा ड्रैगनाइट कमजोर नहीं है। फिर एस बोलता है देखा लियोन मैंने आपको साबित कर दिया कि मेरा ड्रैगनाइट किसी से कम नहीं है। तभी रेफरी बोलता है लियोन का ड्रैगापुल्ट अब लड़ नहीं सकता, तो इस राउंड का विनर है ड्रैगनाइट। फिर लियोन अपने तीसरे पोकेमोन भेजता है जो कि होता है उसका इंटेलियन। लियोन जैसे ही इंटेलियन को बाहर निकालता है लियोन बोलता है इंटेलियन हाइड्रो बम का यूज करो। ये हाइड्रो बम जाकर ड्रैगनाइट को लग जाता है जिससे कि ड्रैगनाइट एक ही अटैक में हार जाता है। ये देख के एस ज्यादा शौक नहीं होता क्योंकि एस को पहले से ही पता रहता है उसका ड्रैगनाइट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। तभी एस ड्रैगनाइट को बुलाता है, बोलता है ड्रैगनाइट तूने बहुत अच्छा किया अब आराम करो। तभी रेफरी बोलता है ड्रैगनाइट अब लड़ नहीं सकता, तो इस राउंड का विनर है इंटेलियन। तभी एस बोलता है लियोन आपका इंटेलियन वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब जो मेरा पोकेमोन आ रहा है ये मेरा सबसे बेस्ट पोकेमोन है, पिकाचू दिखा दो लियोन को थंडरबोल्ट का यूज करो। फिर लियोन बोलता है इंटेलियन बचे उससे और स्नाइपर शॉट का यूज करो। ये स्नाइपर शॉट जाके पिकाचू को लग जाता है जिससे कि पिकाचू थोड़ा घायल हो जाता है। फिर एस बोलता है दोस्त उठो मेरे को पता है तुम्हें इतने से कुछ नहीं होगा, चलो पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रोवेव जाके इंटेलियन को सीधा लग जाता है जिससे कि इंटेलियन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि इंटेलियन है वाटर टाइप पोकेमोन। ये देख के लियोन को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर लियोन बोलता है सब बहुत हुआ मुझे लगता है ये अभी बैटल खत्म करना ही पड़ेगा, इंटेलियन हाइड्रो बम को इस्तेमाल करो। ये सब सुन के एस बोलता है लियोन आप चाहे अपनी कितनी भी ताकत लगा लो लेकिन ये मेरा पिकाचू है ये आपको पोकेमोन को खत्म कर देगा। पिकाचू क्विक अटैक करके उसके पास पहुंचो फिर वहां पर जाकर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। फिर इंटेलियन जैसे ही हाइड्रो बम का यूज करता है पिकाचू उससे बच जाता है और पिकाचू उसके पास पहुंच कर थंडरबोल्ट का यूज कर देता है जिससे कि इंटेलियन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था। फिर एस बोलता है पिकाचू चलो इस मैच को खत्म करते हैं आयरन टेल का इस्तेमाल करके खत्म करो। पिकाचू का आयरन टेल जाके इंटेलियन को लग जाता है जिससे कि इंटेलियन ये मैच हार जाता है। फिर रेफरी बोलता है इंटेलियन अब लड़ नहीं सकता, तो इस राउंड का विनर है पिकाचू। ये सब देख के लियोन बहुत ज्यादा शॉक होता है, वो इंटेलियन को वापस बुलाता है बोलता है इंटेलियन तुमने अच्छा किया। फिर लियोन बोलता है मुझे तुम्हें कमजोर समझना नहीं चाहिए था लेकिन अब बहुत हुआ अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वर्ल्ड मोनार्च किसे कहते हैं। मिस्टर राइम बाहर आओ। फिर हम देखते हैं एस अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है। फिर एस निकालता है अपना सरफेस को। फिर लियोन बोलता है मिस्टर राइम आइस पंच का यूज करो। इधर एस भी सरफेस को ब्रूटल स्विंग का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही अटैक आपस में जाकर टकरा जाते हैं जिससे कि दोनों ही पोकेमोन थोड़ा डैमेज लगता है। तभी लियोन बोलता है मिस्टर राइम साइकिक का यूज करो। साइकिक अटैक जाकर सरफेस को लग जाता है। फिर मिस्टर राइम सरफेस को उठा के बहुत दूर फेंक देता है जिससे कि सर्फिश बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। फिर एस बोलता सर्फिश उठो और लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करो। सर्फिश लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करता है लेकिन मिस्टर रैम उससे बच जाता है। फिर लियोन बोलता है मिस्टर रैम चलो एक और बार साइकी का अटैक करो, लेकिन एकदम से एस का जम बोलता सर्फिश इस बार तुम्हें बचना है इस अटैक से, और सर्फिश साइकी से बच भी जाता है। तभी लियोन बोलता है मैं चाहता हूँ कि हम इस मैच को एक ही अटैक में खत्म करें। फिर एस बोलता है लियोन जैसी आपकी मर्जी
सर्फिस्ट मीटियल असॉल्ट का इस्तेमाल करो। उधर लियोन भी बोलता है मिस्टर राइम आइस पंच का इस्तेमाल करो। दोनों ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये अटैक आपस में आकर टकरा जाते हैं जिससे कि पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं। तभी रेफरी बोलता है दोनों की पोकेमोन लड़ने के काबिल नहीं रहे तो ये राउंड टाई हो गया है। दोनों ही ट्रेनर्स अपने पोकेमोन को वापस बुलाते हैं। फिर लियोन बोलता है मैंने जितना सोचा था ये मैच और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है, तो क्या तुम मेरे इस पोकेमोन को हरा सकते हो? बाहर आओ सिंड्रेस। फिर ऐसे बोलता है लियोन आपने बिल्कुल सही कहा, अब ये मैच कुछ ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है, लेकिन अब जो मेरा पोकेमोन आ रहा है इसके बारे में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाहर आओ लुकारियो और सबको दिखा दो अपने रियल पावर। लियोन हमें सिंड्रेस को फायरबॉल का यूज करने के लिए बोलता है। उधर ऐसे बोलता है लुकारियो और स्पेल का इस्तेमाल करो। दोनों ये अटैक आपस में जाकर टकरा जाते हैं जिससे कि थोड़ा धमाका होता है। तभी लियोन बोलता है सिंड्रेस डबल किक का यूज करो। तभी एस भी अपने लुकारियो को बुलेट पंच का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमोन एकदम पास आके फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एकदम से लियोन अपनी चालाकी दिखाता है। फिर लियोन बोलता है सिंड्रेस फायरबॉल का यूज करो। इस सरप्राइज अटैक की लुकारियो को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और यह फायरबॉल जाके लुकारियो को सीधा लग जाता है जिससे कि लुकारियो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। तभी एस बोलता है लुकारियो उठो, तुम ऐसे हार नहीं सकते लुकारियो, तुम्हें ये करना ही होगा। तो ठीक है मुझे अब इसका यूज करना ही पड़ेगा। लुकारियो तैयार हो जाओ। लुकारियो और मेरे बॉन्ड की पावर कीस्टोन लुकारियो मेगा इवॉल्व। तभी हम देखते कि एज कचम ने कर लिया होता मैं लुकारियो का मेगा इवॉल्व। तभी लियोन बोलता है सिंड्रेस चलो इस मैच को खत्म करते हैं, फायरबॉल का यूज करो, लेकिन ये फायरबॉल से लुकारियो बच जाता है। फिर एज कचम बोलता है लियोन अब आपका खेल खत्म हुआ, लुकारियो पूरी ताकत से और स्प्रे का इस्तेमाल करो। ये और स्प्रे जाकर सीधा सिंड्रेस को लग जाता है जिससे कि सिंड्रेस हार जाता है। तभी रेफरी बोलता है सिंड्रेस लड़ नहीं सकता तो इस राउंड का विनर है मेगा लुकारियो। फिर लियोन हम सिंड्रेस को वापस बुलाता है, बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल करता है। फिर लियोन बोलता है एश बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, लेकिन अब इससे आगे नहीं क्योंकि अब मेरा चारिज़ार्ड आ रहा है। और हाँ तुम्हें तो चारिज़ार्ड के बारे में सब कुछ पता ही है, और हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, तो क्या कहते हो शुरू किया जाए? फिर ऐसे बोलता है लियोन मुझे आपका चार्जर के बारे में सब पता है, आपका चार्जर आज तक कभी नहीं हारा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं भी मैच जीतने आया हूँ, और हाँ मैं आपको यही बताता था ये मैच मैं जीतने वाला हूँ। तभी लियोन बोलता है चार्जर ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करो। फिर ऐसे बोलता है लुकारियो तुम्हें बुलेट पंच का इस्तेमाल करो। दोनों ही पोकेमोन यहाँ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन चार्जर का अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है जिससे कि लुकारियो को चोट लग रही होती है। तभी एकदम से लियोन बोलता है ऐश मैं अभी तुम्हें चार्जर का असली पावर दिखाता हूँ, चार्जर फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। ये फायर ब्लास्ट जाकर लुकारियो को लग जाता है जिससे कि लुकारियो जमीन पर गिर जाता है। सबको ये लगता है कि लुकारियो हार चुका है, लेकिन ऐसे बोलता लुकारियो उठो, लुकारियो तुम्हें ये करना ही होगा, लुकारियो उठो। इतना चीज बोलने के बाद हम देखते कि ऐसे और लुकारियो चले जाते हैं ऑरा फॉर्म में। तभी ऐसे बोलता लुकारियो अब ये तुम्हें करना ही होगा, और इस पेयर का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत से। फिर हम देखते हैं कि लुकारियो ने अपना जायंट और इस पेयर तैयार कर लिया होता है, ये देखकर लियोन थोड़ा डर जाता है। फिर लियोन बोलता है चार्जर अपनी पूरी ताकत से फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। इधर एस बोलता लुकारियो अभी और इस पेयर का इस्तेमाल करो। फायर ब्लास्ट और इस पेयर दोनों ही आपस में आकर टकरा रहे होते हैं, लेकिन लुकारियो का और इस पेयर कुछ ज्यादा पावरफुल होता है जो कि जाकर चार्जर को लग जाता है जिससे कि चार्जर नीचे गिर जाता है। ये सब देख के लियोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर लियोन बोलता है एस तुम्हारा लुकारियो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं उसे यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अफसोस मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लियोन अपने दूसरे हाथ में निकालता है कीस्टोन। कीस्टोन को देख के ऑडियंस पूरी शॉक हो जाती है, फिर एस करने में पूरा शॉक हो जाता है। फिर लियोन बोलता है एस अफसोस अब ये मुझे मैच खत्म करना पड़ेगा। चारिज़ार्ड और मेरी दोस्त की ताकत कीस्टोन, चारिज़ार्ड अभी मेगा इवॉल्व। लियोन अपने चार्जर का मेगा इवॉल्व कर देता है, लियोन का चार्जर बनता है चार्जर्ड वाई। तभी लियोन बोलता है एस अफसोस अब ये मैच मुझे खत्म करना होगा, चार्जर ब्लास्ट बर्न का यूज करो। ब्लास्ट बर्न अटैक जाकर सीधा लुकारियो को लग जाता है जिससे कि मेगा लुकारियो ये मैच हार जाता है। ये देख के एस कचम पूरा शॉक होता है। तभी रेफरी बोलता है मेगा लुकारियो अब लड़ नहीं सकता तो इस राउंड का विनर है चार्जर्ड। तभी एस बोलता है लियोन आपका चार्जर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं आपको फिर से बोल दूं ये मैच तो मैं जीतने वाला हूँ, पिकाचू आ जाओ लियोन को दिखाते अपनी असली पावर, पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करो। तभी लियोन बोलता है चार्जर फ्लेम थ्रो का यूज करो। दोनों अटैक जाके आपस में टकरा जाते। फिर एस कचम बोलता है पिकाचू चार्जर का पहुंच के आयरन टेल का इस्तेमाल करो। फिर हम देखते हैं पिकाचू क्विक अटैक करके चार्जर का पहुंच जाता है, चार्जर आयरन टेल मार देता है जिससे कि चार्जर थोड़ा घायल हो जाता है। तभी लियोन बोलता है चार्जर ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो, चार्जर का ड्रैगन पल्स जाकर पिकाचू को लग जाता है जिससे कि पिकाचू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लियोन फिर से बोलता है चार्जर ड्रैगन क्लो का फिर से इस्तेमाल करो, फिर ड्रैगन क्लो भी जाकर पिकाचू को लग जाता है जिससे कि पिकाचू और भी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन लियोन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर लियोन बोलता है चार्जर चलो इसे खत्म करते हैं, फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। ये फायर ब्लास्ट भी जाकर पिकाचू को लग जाता है जिससे कि
पिकाचू बहुत ज्यादा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। पिकाचू हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब देख के ऐश कैटन रोने लगता है, बोलता है पिकाचू नहीं, तुम ऐसे नहीं हार सकते। पिकाचू उठो, तुम मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, पिकाचू तुम्हें एक करना ही होगा। ये सब सुन के लियोन बोलता है, ऐश तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, हार मान लो, तुम्हारे पिकाचू पर और अटैक करना नहीं चाहता हूँ मैं। तभी ऐश को एकदम से याद आता है कि उसके पास अभी भी एक फिनोमेना बाकी है। फिर ऐश बोलता है, लियोन मैं आपको कितनी बार कहूँ, ये मेरा पिकाचू है जो कि आज तक कभी नहीं हारा है, और आप साथ भोले पास अभी भी एक फिनोमेना बाकी है जो कि है मेरे पिकाचू को जीमू। ये सुन के लियोन बोलता है, अच्छा इसका मतलब तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, तो ठीक है मुझे लगता है अभी मुझे ये खत्म करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं ऐश का जमीन टोपी ऊपर फेंकता है, फिर ऐश बोलता है पिकाचू चलो अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, पिकाचू चलो जी मूव करे। ऐश और पिकाचू ने अपना जी मूव तैयार कर लिया होता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू 100 मिलियन थंडर बोल्ट का यूज करो। फिर एकदम से लियोन बोलता है 4000 ब्लास्ट बर्न का इस्तेमाल करो और इसे खत्म करो। ये दोनों ही अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये दोनों ही अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं जिससे कि पूरे स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका कुछ देर तक रहता है और जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं दोनों ही पोकेमोन खड़े होते हैं, लेकिन एकदम से लियोन का चार्जर वाई नीचे गिर के नॉर्मल चार्जर बन जाता है, मतलब इस मैच का विनर है ऐश कैचम। तभी रेफरी बोलता है, चार्जर्ड अब लड़ नहीं सकता, तो इस राउंड का विनर है पिकाचू और इस मैच का विनर है ऐश, और अब हमको मिल चुका है एक नया वर्ल्ड चैंपियन। ये देख के ऐश को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने लियोन को डिफीट कर दिया। तभी लियोन एकदम से ऐश के पास आता है, बोलता है ऐश तुमने ये कर दिखाया, मुझे लगा नहीं था कि तुम ये कर पाओगे, लेकिन आखिरकार तुमने ये करके दिखाया, कांग्रेचुलेशन ऐश।